टूटे, यहाँ पे बीटीआर काफी स्ट्रांग लग रही है, चारों बंदे अलाइव है। इनफैक्ट प्लेयर वाइज आप देखो तो एसजी और डेटोनेटर छोड़ के सारे टीम सी तीन तीन से चार बंदों के साथ है। एसजी यहाँ पे अपना मोमेंटम कम्प्लीटली खो चुके हैं, मोमेंटम कंपोजर सब कुछ, जीरो किल्स, एक ही बंदा उनका बचा है। और गौसकिला की बात करें, एक इम्पैक्टफुल गेम छोड़ के गौसकिला ने भी उनकी परफॉर्मेंस डाउनहिल जा रही है। बट यस, बीटीआर इकलौती टीम मैं बोल सकता हूँ जो यहाँ पे थोड़ा कुछ हर गेम में कुछ ना कुछ हलचल रहता है उनके, कुछ एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, किल्स रहता है, पोजिशन पॉइंट्स रहता है। यहाँ पे ओमेन एलिट के सामने से आईएनएस के निकलना बहुत मुश्किल होगा, 69 के लिए खराब लगा क्योंकि उन लोग रश कर रहे हैं बीटीआर के ऊपर स्ट्रेट अप ओपन से, उनको बहुत जगह से शॉट्स आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, बीटीआर 69 के सारे बंदे जोन के अंदर नहीं आ पाए। ग्रेनेड्स बहुत प्यारे तरीके से यूज किए जा रहे हैं, आप देख सकते हो हर एक कोने में ग्रेनेड आ रखा है। ये ग्रेनेड के अगर टीम 69 के बहुत क्लोज ग्रेनेड होता तो ये ग्रेनेड उनके अगेंस्ट जा सकता था। बीटीआर के 69 ने वहां पर 69 लॉट को डाउन किया एंड प्ले जोन से भी 69 मोहा डाउन हो चुके हैं, सो दैट मींस यहां पर शॉट 69 के लिए दिक्कत है बढ़ती हुई। बीटीआर के प्लेयर्स मूव कर रहे हैं आगे, मैकबॉय स्लोली एंड स्लोली मूव कर रहे हैं, किस तरीके से वो स्पॉट कर पाए प्लेयर को एंड फिनिश कर पाए उनके उनके लिए यही एक बहुत बड़ा सवाल है। जस्ट इनके आगे एक दीवार हो गया एंड उस दीवार के पास वहां पर प्लेयर्स होने वाले हैं। मेरे को लगता है शॉट 69 के प्लेयर्स के लिए दिक्कत है आ चुकी है, उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया बट स्टिल वहां पर बीटीआर ले गए ये वाली फाइट बहुत अच्छे तरीके से। अब बस इनको जीतने के हिसाब से क्रेट्स मिलेंगी, क्रेट्स की लूट मिलेगी एंड ये लूट लेकर ये लोग आगे मूव करना चाहेंगे जोन में। पर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये कि बीटीआर के जस्ट राइट पे ऊपर में आईएनडी की स्क्वाड, अगर वो आईएनडी की स्क्वाड बीटीआर को स्पॉट कर ले तो बहुत ही प्यारा आईएनडी एक फाइट ले सकते हैं, उनके लिए तीन चार इजी किल्स आ सकते हैं। पर यहाँ पे एस्टेर इन मिथ फुटबॉलिस्ट मेगा और टेम्पो, टेम्पो के अगर हम ध्यान दे तो चारों प्लेयर्स अलाइव है, पर निको मुझे काफी एडवांस पोजिशन में दिख रहा है अकेले, पीछे से रेड का लेवी आ रहा है, पर एस्टेर इन मिथ काफी ओपन में आए थे, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा यहाँ से बच के निकलना, यहाँ से निकलना उनके लिए दिक्कत वाला काम हो सकता है क्योंकि वो चाहे ड्रॉप लेने आए थे लेकिन ड्रॉप उनके लिए एक डिसएडवांटेज बन जाता है ऐसे सिचुएशन में। निको आप देख सकते हो अब ओपन में रहना शायद थोड़ा सा दिक्कत वाला काम होगा, स्मोक करना चाहेंगे अपने आगे, यस उन्होंने स्मोक किया है एंड आगे मूव करना चाहेंगे। मीनवाइल आईएनडी दलजीत डाउन हो चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, वहां बीटीआर के प्लेयर ने डाउन किया उनको, सो बीटीआर को पता है फाइट लेने के लिए उनको आगे जाना ही पड़ेगा। बट पीछे से जीएसके की भी स्क्वाड है जो कि फाइट लेने आ चुकी थी, वहां पर निकोला ने डाउन किया ऑरेंज स्टॉकर को, सो ऑरेंज वर्सेस जीएसके एक साइड पर हो रहा है, बीटीआर के प्लेयर्स यहां पर फाइट लेना चाहते हैं आईएनडी से। दलजीत को रिवाइव करने के लिए स्लेयर को शायद पीछे आना पड़ेगा थोड़ा सा, या ट्रांस अपने एरिया से थोड़ा सा आगे आना चाहेंगे क्योंकि दलजीत वहां पर ब्लीड आउट हो रहे हैं, टाइम क्लिक कर रहा है, क्लॉक टिक कर रहे हैं क्योंकि यहां पर 25 मिनट होने वाले गेम के अंदर एंड ये चीज आईएनएस की टीम आगे मूव कर चुकी है ओमन एलीट के ऊपर। ओमन एलीट जिनके तीन प्लेयर्स यहां पर देख पा रहे हो आप, वाईफाई बहुत ओपन है, वाईफाई के लिए दिक्कतें हो सकती है। स्मोकी ने ग्रेनेड किया था बट देन वो ग्रेनेड पीछे बाहर ही रह गया, जूते एंड वाईफाई भी अंदर आ चुके, जूते अपना मोर्चा संभाल रहे पूरी पूरी टीम के लिए क्योंकि ओमन एलीट तीन प्लेयर्स ही बचे हैं अभी। स्प्रिंग ऊपर से पूरा एक एरिया देखना चाहते हैं कहां पर उनको कोई ओपोनेंट दिख जाए बिकॉज ये इंपॉर्टेंट बन जाता है उनके लिए प्लेयर्स को स्पॉट करना एंड आईएनएस की टीम अब मूव करना चाहती है अंदर, कितने अच्छे तरीके से वो मूव कर पाए। पेशेंस अभी इनके हाथ में है, थ्रोएबल्स का यूज किया जा रहा था बट देन उन थ्रोएबल्स ने अभी तक कोई भी पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं दिया किसी भी टीम के लिए, सो ये एक गेम चेंजिंग चीज हो सकती है अगर आईएनएस यहां पर ओमन एलीट को डाउन कर देती है तक। यस एंड यहाँ पे आईएनएस के पास बस एक ही डिसएडवांटेज है कि उन लोग थ्री मैन है और उन लोग आउट ओपन में है, उनका कोई भी प्लेयर अभी तक अंदर जंप करके जा नहीं सका है कि उन लोग वॉल कूद के जा नहीं पाए अंदर, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बट यस आई गेस अगर मैं मैप की तरफ देखूँ, मिनी मैप की तरफ, तो उनको पीछे से कोई खतरा नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज़ ओशन 6 जोन अभी भी 33 प्लेयर बचे हैं, 10 टीम बचे हैं, कितने सारे टीम्स 4 मैन स्क्वाड के साथ खेल रहे हैं। वहाँ बीटीआर के राइजर ने टीम आईएनडी के स्लेयर को नॉक कर दिया है, अगर हम टीम आईएनडी की तरफ जा सके तो फिर वहाँ पे हमें पता चलता है कि कितना इंटरेस्टिंग फाइट हो रहा था वहाँ पे टेम्पो के एक्सटेंड एसजी के ऑस्टिन एक्स, फाइनली ऑस्टिन एक्स को नॉक किया, आई थिंक वहाँ पे आईएनडी भी कम्प्लीटली एलिमिनेट हो चुकी है। यस बीटीआर ने पुश किया आईएनडी आउट, एसजी आउट, आईएनएस लास्ट होप अभी बचे इंडियंस के लिए, आई थिंक दे आर स्टिल इनटू द टॉप 7 अभी पुश में है। यहाँ बीटीआर ओपन से पुश करते हुए फुटबॉल को पकड़े, पर भाई बीटीआर के पुश से कौन ही बचता है। एंड यहाँ पे लक्सी वहां पे स्पॉट करते हुए रॉन को एंड कितना इजी तरीके से 15 किल ले चुके हैं बीटीआर, एंड यहाँ पे बीटीआर पूरे रन में है, बहुत ही सॉलिड रन में है, अभी भी 22 लोग बचे हैं उसमें से 15 किल इनके हाथ में। टेम्पो स्टॉर्म काफी अच्छा खेली है, रेड अच्छा खेली है, आईएनएस भी अच्छा खेली है, ओमेन मेगा, आई थिंक सारे टीम्स जिन्होंने अर्ली टूर्नामेंट में टेम्पो पकड़ा था दे आर बैक। यस आपने बिल्कुल सही चीज बताई है एंड आईएनएस की स्क्वाड मूव करना चाहते हैं बिकॉज उनको ओमेन एलीट से फाइट चाहिए। फुटबॉलिस्ट की टीम वहां पर मीनवाइल एलिमिनेट हो चुके हैं, यहां पर भीष्मा डाउन थे, भीष्मा फिनिश हो सकते हैं मेरे ख्याल से क्योंकि वो डाउन बहुत क्रिटिकल हेल्थ पर डाउन था। टेम्पो की स्क्वाड भी चाहते हैं किस तरीके से फाइट ले पाए एंड जिस अभी वो सेकंड पोजीशन पे वो फर्स्ट
पर आना चाहेंगे कुछ भी करके, बट देन BTR का कमबैक एक बहुत ही बढ़िया कमबैक था विकेंडी के इस मैप के अंदर। टेम्पो एक्स टीका आप देख सकते हो ऑन द स्क्रीन एंड वहां पर रेड की स्क्वाड ने फाइट लेना शुरू कर दिया टेम्पो की स्क्वाड के साथ, लेकिन पीछे से उनको मेगा से बहुत अच्छे तरीके से शॉट्स पड़ रहे हैं। मेगा भी वापस आना चाहती है इस गेम के अंदर, उनके अभी 0 पॉइंट्स हैं, बट देन कब तक ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये फर्स्ट एड लगाकर मूव करना चाहेंगे, इनके पास कवर बहुत बढ़िया था, बट देन ये कवर जोन के अंदर रहता है नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है। ओमन लीड के प्लेयर्स मूव कर रहे हैं आगे धीरे धीरे, INS को पता है कि पीछे उनके टेम्पो की स्क्वाड है, उनको फिनिश करना इनके लिए एक बहुत बड़ा जॉब बन जाता है। एंड स्मोकी भीष्मा ये सब चाहेंगे किसी तरीके से उनको स्पॉट कर पाए एंड खत्म कर पाए। यस एंड यहाँ पे अगर देखें तो INS के स्मोकी और भीष्मा इन अच्छा भाई एक प्लेयर का रिवाइव हो गया तो इनके पास अभी चांस है, पर BTR 17 किल ओशन आप जो बोल रहे थे कि क्या 20 किल हमें चिकन डिनर देखने को मिल सकता है, आई थिंक डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। यहाँ स्मोकी नॉक होते हुए वहाँ पे BTR के जक्सी ने टेम्पो के सारे प्लेयर्स को पीछे से पकड़ लिया एंड वहाँ पे टेम्पो एक्स के निको नॉक एंड फिनिश हो जाएंगे। BTR 18 किल हो चुके हैं, INS यहाँ पे फिनिश ऑफ हो चुके हैं, हम आ चुके हैं लास्ट 5 टीम 14 प्लेयर बचे हैं। BTR TSOM मेगा रेड 18 किल 4 किल 1 किल 2 किल 1 किल एंड 4v3v3v2v1 का सिचुएशन है। BTR लुकिंग सो स्ट्रॉन्ग राइट नाउ, मतलब ये गेम BTR के लिए पूरा टूर्नामेंट बदल देगा। ऑब्वियसली मेगा आई गेस इज लूजिंग देयर टॉप स्पॉट क्योंकि BTR यहाँ पे 40 से कुछ भी आई थिंक यहाँ पे तो 45 पॉइंट्स का भी बढ़ोतरी देख सकते हैं। BTR के पास सबसे अच्छी चीज ये कि चारों प्लेयर जिंदा है, मैन पावर जो निकल कर आता है वो BTR से कोई इस टाइम नहीं छीन सकता, बट मेगा की स्क्वाड या अकेले ऐसी स्क्वाड है जो ये चीज कर सकती है क्योंकि मेगा एक हमने देखा कितने अच्छे तरीके से 3 मैन स्क्वाड के अंदर भी उन्होंने गेम्स बदले हैं काफी ज्यादा पहले भी और अब देखना पड़ेगा कैसे। लेकिन BTR ने वहां पे टेंपो एक्सट्रीम को डाउन किया, 19 स्किल्स उनके हाथ में आ चुके हैं। BTR बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है इस पूरे पूरे गेम में मेरे ख्याल से। मेगा की स्क्वाड स्लोली एंड स्टेडीली मूव कर रही है बट इनको स्टिल अभी भी जोन में जाना है, 34 और मीटर है इनके पास जोन में जाने के। टेंपो एक्स चीका ने वहां पर ओमन लीड के एक और प्लेयर को डाउन किया है, स्प्रिंग डाउन हो चुके हैं बट देन जस्ट इनके क्लोज में टेंपो एक्स के एक और प्लेयर डाउन हो चुके, सूते भी डाउन हो चुके हैं। टेंपो एक्स के प्लेयर अकेले बहुत कम हेल्थ के अंदर है, यहां पर वाईफाई भी उतनी ही हेल्थ के अंदर फाइट ले रहे हैं तो ये होगा। ओ चीका ने एक क्राउड शॉट के एंड बहुत प्यारे तरीके से डाउन किया टेम्पो एक्स को, गेम के अंदर जिंदा रखा। अभी ओमन लीड टॉप 5 के अंदर आगे 5th पोजीशन पर एलिमिनेट होते हुए 7 किल्स टेम्पो के पास आते हैं। गेम चेंजिंग मूवमेंट हो सकता है क्योंकि ओमन लीड बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही थी अभी तक, बट देन टेम्पो ने गेम उनसे छीन लिया है, अपने 2 प्लेयर्स खत्म करवा चुके हैं लेकिन स्टिल एक प्लेयर अकेला गेम के अंदर सर्वाइव कर रहा है पोजीशन के लिए पॉइंट्स के लिए। मीनवाइल BTR चारों प्लेयर्स अभी भी आप देख सकते हो अपने आसपास मूव करके एक पेड़ का कवर बनाकर इनके जस्ट आगे टेम्पो का प्लेयर है, क्या ये अकेले उनको फिनिश कर पाएंगे। वहां पर मेगा पॉइंट्स भी डाउन होकर फिनिश हो चुके हैं, मेगा का प्लेयर पीछे ऑनलाइन 24 रेड के क्लोज, रेड के प्लेयर ने समझ लिया था कि यहां पर प्लेयर है, ऑनलाइन को अभी तक नहीं पता चला है लेकिन गाड़ी फोड़ते हैं। BTR के पास 20 किल्स आ चुके हैं, 21 किल्स BTR के हाथ में, 1v4 का सिचुएशन, रेड के क्लोज 4 प्लेयर्स मूव कर रहे हैं धीरे धीरे, रेड के पास कवर है बट देन ये कवर 4 प्लेयर्स इनको कोई भी हेल्प नहीं दिलवा पाएगा एंड मेरे को लगता है यस 23 किल चिकन डिनर BTR कमिंग अप विद दोस 43 पॉइंट्स, मतलब अनएक्सपेक्टेड एंड क्या गेम था ये उनके तरफ से। BTR यहाँ पे 23 किल चिकन डिनर लेते हुए आई थिंक व्हाट अ फैंटास्टिक जॉब किस तरह से इन्होंने पुल ऑफ किया है, जो आपने कहा उससे बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने फिनिश ऑफ किया अपना काम। 23 किल चिकन डिनर 43 पॉइंट्स की बढ़ोतरी एंड आई गेस अब तो मतलब कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आई थिंक BTR जो पुश लेके आई थिंक उन लोग कुछ 40-45 पॉइंट्स पे रहे होंगे एंड उसके बाद इनको यहाँ पे और 40 पॉइंट का पुश मिलेगा एंड